की हवा नहीं होती, आज तो ज्यादा ही अच्छी है। नहीं वो तुम्हें देखकर खुशी से झूम उठी है। अरे पतंग कट गई। अरे मोमोस और कहाँ लेके जाऊँ, हवा तो चारों तरफ होती है। अरे बुद्धू, लेकिन हवा की एक दिशा होती है ना, पतंग को उस दिशा में ला। अरे क्या करूँ भैया, सागर जी क्या कर रहे हो? अभी हवा इस तरफ चल रही है। अरे वाह मॉम, आपको कैसे पता चला? क्योंकि पतंग की डोर जैसे ही हाथ में लेते ना, वैसे थोड़ी भारी हो जाती है। देख पकड़, अरे हाँ पता चला। आप ही उड़ाइए ना। अरे सर प्लीज मॉम, प्लीज प्लीज। रिया देखा तुमने, बिग सिस्टर पतंग उड़ा रही है। मैं भी यही चाहता था कि बिग सिस्टर हमारे साथ पतंग उड़ाए। आई एम सो हैप्पी फॉर हर। बिग सिस्टर संभालना अपनी पतंग को। अरे भावे, तू अपनी पतंग संभाल, नहीं तो जाएगी मारा के भाव में। सोनिया लपेट लपेट लपेट, जल्दी लपेट लपेट, जल्दी लपेट लपेट लपेट। पतंगबाजी में पहले भी बच्चा ही था और आज भी बच्चा ही रहेगा। अरे तो क्या हुआ बिग सिस्टर, अब ये बच्चा बड़ा होके दिखाएगा। दूसरी पतंग लाओ टीम, कम ऑन। ये लीजिए मॉम ये, और अब हमारी टीम की कैप्टन मॉम है। चलो चलो रोहित, कम ऑन, कितनी देर जा, चल चल चल, चलो भाई कितना खाओगे, चलो चलिए चलिए। अब शुरू होता है सेकंड मैच। की बार मामा जी ने पतंग की डोर रोहित भाई के हाथ में दे दी है। हाँ। तो मम्मी जी की टीम का मुकाबला होगा रोहित भाई के साथ। सोनिया हाँ। तू रोहित कंपटीशन दे। अरे पकड़ जल्दी, मुझे पतंग उड़ाना नहीं आता। भाभी क्यों टेंशन ले रही हो,
मम्मी जी है ना आपको चुटकी में सिखा देगी, है ना मम्मी जी? यस, चलिए चलिए उड़ाइए, दीजिए दीजिए। अरे सागर भैया बताइए ना वहीं को, मुझे तो पतंग उड़ाना नहीं आता, सीरियसली। हाय हाय, तो फिर हमारी टीम से कौन पतंग उड़ाएगा? अब निकी निकी उड़ाएगी। हां मम्मी मम्मी, रोहित संभाल ना। स्कोर अपडेट कर दो, 1-1। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं अपने बचपन में चला गया। मैं भी। लेकिन ऑल क्रेडिट गोज टू मही, सब इसी की वजह से हुआ है। तो फाइनली ये मुकाबला मम्मी जी की टीम 2-1 से जीत गई है। यो और मही, तुम्हारा ये गुड लक का कॉइन तो कुछ भी काम नहीं आया, अभी तक पड़ा है मेरे पॉकेट में। गुड लक। मामा जी, अगर आप जैसे बड़े लोग ये लक पर डिपेंड रहने लगेंगे तो हम जैसे लोगों का क्या होगा? हमें भी तो सीख मिलती है ना
कि लक के साथ साथ टैलेंट भी उतना ही जरूरी है। राइट ऑन। चलिए मामा जी, ये अवार्ड आप मम्मी जी और उनकी टीम को दीजिए। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। बिग सिस्टर बहुत ही मेमोरेबल रहे हैं ये लास्ट 12 डेज। इन 12 दिनों में ऐसा लगता है जैसे मैंने मेरा पूरा बचपन फिर से जी लिया। वाह, क्या बात कही है मामा जी आपने। मामी जी, आप यही सोच रहे हो ना कि मैं चम्मच के बदले हाथ से क्यों खा रही हूँ, है ना? Oh, yes. एक तो इसीलिए क्योंकि कांच की प्लेट में पहला निवाला खाने के बाद जब चम्मच रखते हैं ना तो टक टक आवाज आती है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। भाई, है ना? ये मुझे पसंद नहीं है इसीलिए हाथ से। और दूसरा ये, मैं जब हाथ से खाती हूँ ना तो खाने को स्पर्श करती हूँ जिससे मेरे पूरे बॉडी को फील होता है कि मैं खाना खा रही हूँ। और जब चम्मच से खाती हूँ ना तो सिर्फ गले को फील होता है कि मैं खाना खा रही हूँ, इसीलिए हाथ से। बाकी मजा नहीं आता चम्मच से। Really? हाँ। तो ठीक है, मैं भी हाथ से ट्राई करती हूँ। आ करिए करिए। एक्चुअली मैं फील कर पा रही हूँ कि मैंने कुछ खाया है, है ना? You know, मैंने आज तक अपनी एंटायर लाइफ में कभी भी हाथ से खाना नहीं खाया था, बट इट फील्स ग्रेट। ग्रेट? तो मैं भी चम्मच और कांटों से नहीं खाऊंगा। भाड़ में गए कांटे और चम्मच, मैं भी अपने हाथों से ही खाऊंगा। राइट। और वैसे भी परसों से लंदन में कांटे और चम्मच से ही खाना है, क्योंकि अगर वहां हाथों से खाएंगे तो लोग हमारी तरफ ऐसे देखेंगे जैसे गेंडे और गधी की शादी हो गई हो। तो टूट पड़ो। मामा जी, मतलब परसों से आप लंदन में होंगे? पता है मामा जी, मैं गांव में कैलेंडर को नजरअंदाज करके कोई भी त्योहार मनाती थी ना तो बापूजी कैलेंडर को ही फाड़ देते थे। आज तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं कैलेंडर फाड़ दूं और 21 नवंबर आपके जाने की डेट को आने ही ना दूं। कैलेंडर को नजरअंदाज करके कोई भी त्योहार मनाती थी ना तो बापूजी कैलेंडर को ही फाड़ देते थे। आज तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं कैलेंडर फाड़ दूं और 21 नवंबर आपके जाने की डेट को आने ही ना दूं। मम्मी, वेरी नाइस ऑफ यू। अगर ऐसा होता तो मैं भी तुम्हारी मदद करता कैलेंडर फाड़ने में, लेकिन वक्त का क्या, उसको किसी भी एंगल से फाड़ नहीं सकते। So, we have to. वही तो लोचा है मामा जी, ऊपर वाला ना कभी कभी महलों में रहने का इंतजाम तो कर देता है पर ऊपर से एक्सपायरी डेट भी लिख देता है। पर कोई बात नहीं, ऊपर वाला हमें जब भी हराना चाहे तब हमें जीत की मुस्कुराहट पहन लेनी चाहिए और एकदम खुश हो जाना चाहिए।
और वही खुशी को हमें कैमरे में कैद कर लेना चाहिए, है ना सागर जी? हाँ बिल्कुल सही कहा भाई, मैं पूरी फैमिली के साथ में बढ़िया सी फोटो लेता हूँ। रेडी? रेडी आ गए सब लोग? सागर तुम भी यहाँ आ जाओ ना। ये? मैं तो फोटो कौन लेगा? अरे हाँ पिंकी बहन आप फोटो खींचिए ना। हाँ पिंकी बहन चलो 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 कम ऑन अगेन एवरीबॉडी से चीज। मही मैडम कभी से तो आप ही खुश रहने की बात कर रही थी और अभी आप ही सीरियस मुंह बनाए हुए हैं। स्माइल प्लीज। अरे वाह मस्त फोटोज है ना? बहुत ही मस्त है। ये पीछे वाला कितना मस्त आया है। सुपर्ब भाई आखिर फोटोग्राफर कौन है भाई? तुम्हें पता है उत्तरायण में भी इतना मजा नहीं आता था जितना आज बिना उत्तरायण के आया। ऐसी उत्तरायण होगी तो आपको तो मजा आएगा ही ना भाई? अगर ये फोटो कागज की होती ना तो मैं इसे अभी के अभी फाड़ देता। हाँ तो फाड़ने का दूसरा ऑप्शन है ना दिल्ली। अरे हाँ मेरे ध्यान में नहीं है अभी डिलीट कर। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है। हाँ उत्तरायण में जो मजा लिया है उसे मैं किरकिरा नहीं करना चाहती ना। भाई एक्चुअली मैं ये कहना चाहता था कि उत्तरायण इतनी सक्सेसफुल हुई इसका पूरा श्रेय तुम्हें जाता। इन 12 दिनों में तुमने मामा जी और उनके परिवार को जो खुशियां दी है वो शायद हम लोग भी नहीं दे पाते। तो थैंक यू सो मच। क्या आप भी सागर जी? मैं मेहता परिवार की बहू हूँ तो ये मेरा फर्ज बनता है ऐसे फिल्मी डायलॉग में बिल्कुल नहीं बोलने वाली। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि किसी को खुश करना तो मेरे बाएं हाथ की छोटी उंगली का खेल है। समझे? हाँ मही। हाँ एक मिनट। तो ठीक है मही थैंक यू के बदले एक झप्पी भी पपी ले लो। आ गए ना अपनी औकात पर तो फैंस के मसीहा। हाँ आ गए। सागर इससे आगे मत बढ़ना क्योंकि मैं रूम में आ चुकी हूँ। रिया दूसरों के कमरे में आने से पहले नॉक करना चाहिए राइट? तुम मेरे दूसरे थोड़ी ना हो तुम मेरे लिए पहले हो। मतलब मेरे अपने हो। बाय द वे मैं यहाँ ये कहने आई मुझे टाइप कॉम्पिटिशन में बहुत मजा आया। हाय सब ऐसा मजा ऐसी खुशी लंदन में कहाँ मिलती है? द सेम रूटीन वेरी बोर्ड इसलिए यहाँ इंडिया में रहने की इच्छा हो रही है। कल की टिकट कैंसिल? हाँ कमाल है मैं यहाँ रह रही हूँ उसमें तुम्हें इतनी खुशी हो रही है क्या? मतलब मैं यहाँ अकेली रहने वाली। दीदी जीजू जैकी जा रहे हैं। रिया तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? अकेले तुम हो ना तुम किस दिन काम आओगे? भूल गए मैंने तुम्हें पूरा का पूरा लंदन घुमाया था। Now it's your turn to entertain. अब देश की धड़कन के लिए तुम जहां जहां जाओगे वहां वहां मुझे साथ ले जाना पड़ेगा। मैं पूरे अहमदाबाद गुजरात पूरे इंडिया को करीब से देखना चाहती हूँ। समझो कि ये मेरे लिए मेरे देश की धड़कन है। घुमाओगे ना मुझे पूरा इंडिया? हाँ हाँ बिल्कुल घुमाएंगे। और वैसे भी
आपको घुमाने के लिए ये तो बहुत ही आतुर है ना? पर सबसे पहले ना आप हमारे साथ मेरे वेरा खड़ी गांव में आना, वहाँ ये बड़ी सी नदी। तुम वहाँ कैसे आ सकोगी भाई? तुम्हें तो ये पूरा का पूरा घर संभालना है और तुम तो इस घर की बहू हो ना। एंड डोंट वरी, सागर तुम्हारा हस्बैंड होने से पहले मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आई विल टेक केयर ऑफ हिम।